नमस्कार मित्रों, आज कबीर जी का बहुत सुंदर सा दोहा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोहा कुछ ऐसे है, कबीरा गर्व न कीजिए कभू न हसे कोय, अजू नाव समंदर में ना जाने क्या होए। तो दोस्तों, इस दोहे का अर्थ है कि रिसोर्सेज, वेल्थ, प्रॉपर्टीज, ये सब आने के साथ बहुत सारे लोगों में घमंड आ जाता है और फिर वो अंडर प्रिविलेज लोगों का, गरीबों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। कबीर जी इस दोहे में सेकंड लाइन में समझा रहे हैं कि हमारी नाव, हमारी जो किश्ती है, अभी भी समंदर में है। वो किश्ती कभी भी पलट सकती है, यानी कि हमारी जीवन की परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस कभी भी बदल सकते हैं। तो इस दोहे का मीनिंग हमें ये समझना चाहिए, इस नंबर वन, हमें कभी भी अपने रिसोर्सेज का, अपने स्टेटस का घमंड नहीं करना चाहिए। नंबर वन, हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए। और थर्ड, हमें कभी भी अपने स्टेटस के घमंड में आके अंडर प्रिविलेज लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो अगर हम देखें तो आज की सोसाइटी में जो नेगेटिविटीज़ हैं, उसमें से सबसे बड़ी नेगेटिविटी ये है कि बहुत सारे सो कॉल्ड अमीर लोग, जो अपने आप को बहुत अमीर समझते हैं, वो गरीबों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उससे समाज में बहुत तनाव बढ़ रहा है। इनफैक्ट जो समाज का क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, उसका भी ये कारण है कि बहुत सारे गरीब लोगों को जब उनकी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेटेड होके रिबेलियस नेचर में आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं, ये सही तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मोटिवेटेड हो जाते हैं क्राइम करने के लिए। अगर सभी लोग समाज में अपने स्टाफ मेंबर्स को, जो गरीब हैं, बहुत सारे जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो लोगों के साथ डिसेबिलिटीज हो रखी हैं, सबको रिस्पेक्ट देंगे, तो वर्ल्ड में एक बहुत ही प्यारा सा एटमॉस्फेयर बन जाएगा और हम सब लोग खुशी खुशी से तालमेल बना के एक दूसरे के साथ जी सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले दोहे के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।